अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी को जुमा बहुत 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 मुबारक। और बस मैं अभी नमाज़ अपनी अदा करके आई हूँ। जुमा की नमाज़ मैंने पढ़ लिया है और बस अपना व्लॉग भी मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि आज अभी से स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि लास्ट टाइम से मेरे व्लॉग बहुत छोटे होते चले जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं थोड़ा मतलब मेहनत कर लूँ अपने व्लॉग के पीछे। तो बस यही है। और तो बस मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, नहीं मैं स्कूल से नहीं आ गई हूँ, एक्चुअली मेरा बेटा स्कूल से आ गया, आप सबको तो पता ही होगा। तो बस अभी नीचे वो गया है खेलने। अभी सलमा मैडम भी नहीं आई है, अभी सारा घर का काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने तो फटाफट मतलब नमाज़ अपनी पढ़ ली, क्योंकि फिर नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान शरीफ पढ़ना होता है, जुम्मे में काफ़ी कुछ पढ़ना होता है, तो फिर वो देर हो जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर खाना वाना भी बनाना रहता है। तो बस मैंने फटाफट स्कूल से आके अपनी नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ लिया। अभी सलमा नहीं आई है, सलमा आएंगी वो काम करेंगी, उसके बाद और हाँ बस आजकल का मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, यहाँ पे तो बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छी धूप लगती है। तो बस मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जैसे हमारे पुराने मतलब घर में लखनऊ वगैरह में घर होते हैं नॉर्मल की छत वगैरह होती है, बट यहाँ पे तो ऐसा होता है, मतलब होता है बट मैक्सिमम नहीं होता है, मैक्सिमम तो सब फ्लैट वगैरह होते हैं, तो आप छत पर उतना नहीं जाते हैं कि जितना आप अपना वैसे जा सकते हैं। तो बस मेरा तो वही मन कर रहा है कि मैं छत पर जाके आराम से धूप लूँ, बट ठीक है यहाँ पे भी थोड़ी बहुत धूप आ ही जाती है, जितना काम भर की धूप आ ही जाती है। तो बस यही सब है बाकी। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि, और मैं भी मतलब मैं इन सब चीज़ों से लेके बहुत परेशान थी कि अचानक से जो मेरे व्यूज़ हैं वो इतने कम क्यों हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे हो गए थे मेरे व्यूज़ लास्ट वीडियोज़ में मेरी, मतलब लास्ट की दो तीन वीडियोज़ को छोड़ के काफ़ी मेरे व्यूज़ अच्छे हो गए थे। तो मैं बड़ी खुश थी कि मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अचानक से मैं देख रही हूँ कि मैं मेरे तीन चार जो मेरी लास्ट वीडियोज़ है उनके मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे। तो फिर मुझे क्या डायनासोर है क्या? हट जा शादे। वेलकम बैक माई फ्रेंड्स, ये शाहजेब आ गया था तो उसने मेरा पूरा फ्लो तोड़ दिया। तो बस अभी हम क्या बात कर रहे थे, हाँ कि हमारे जो चैनल है स्पेशली मतलब जो हमारे न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके जो चैनल है उनके जो व्यूज़ आ रहे थे कुछ दिन पहले तक, तो वो अभी काफ़ी कम हो चुके हैं। तो काफ़ी मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो गया यार, मैं तो मतलब ठीक ठाक ही जा रहा था मेरा चैनल, अचानक से ऐसा क्यों हो गया। तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी सर्च किया, काफ़ी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोज़ देखे, तो उन लोग के साथ भी सेम प्रॉब्लम अभी हो रहा है कि उन लोग के जो मिलियंस में व्यूज़ आते थे तो वो भी काफ़ी कम हो चुके हैं, और जिनके लैक्स में आते थे उनके भी काफ़ी कम हो चुके हैं, जिनके थाउजेंड में आते थे उनके भी काफ़ी कम हो चुके हैं। तो हम लोग तो हंड्रेड्स वाले हैं, तो हम लोग के कम हो गए तो हम लोग को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। ये मेरा मैसेज उन न्यू यूट्यूबर्स के लिए है जो कि मेरी तरह सोच रहे हैं कि मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी क्यों नहीं हमारे व्यूज़ आ रहे हैं। तो बस यही प्रॉब्लम था, और मतलब इसका जो रीज़न था वो मुझे कुछ ऐसा पता चला कि जो यूट्यूब का फॉर्मेट होता है वो काफ़ी दिन दिन पे मतलब महीनों महीनों में चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये काफ़ी बार मतलब होता ही रहता है, ये कुछ कुछ महीनों में, छः महीने में, सात महीने में, आठ महीनों में कभी कभी ऐसा होता है कि YouTube अपना पूरा फॉर्मेट चेंज करता है जिसके थ्रू ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस आपको करना ये है कि आपको रोज़ अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनानी है, रोज़ डालना है, जैसे आप डालते हो वैसे आपको डालना है, आपको थकना नहीं है। तो बस यही सब आप करिए, और मैं भी यही कर रही हूँ कि अपने जो भी हमारी ऑडियंस है उनको अच्छे से अच्छे व्लॉग दीजिए, तो जो भी ये प्रॉब्लम आ रही है वो जल्द से जल्द इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो बस बाकी यही सब है। तो शाहजेब हमारे आ चुके हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इधर आइए। कपड़े फोल्ड कर रहे हैं आप? क्यों कपड़े क्यों फोल्ड कर रहे हैं? क्या फोल्ड नहीं कर रही? क्योंकि मम्मा नहीं कर रही है। अच्छा ठीक से बैठो। ये देखिए शाहजेब ने कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं, है ना शाहजेब, और जल्दी से इसे उठा लो, पापा के कपड़े हैं, पापा फिर मारेंगे। हाँ मेरे भी हैं, तुमने क्या हाल बना दिया है, चलो जल्दी उठाओ जल्दी।
बस यही सब है। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ हमें बताया ज़रूर करिए कि हमारे वीडियोस कैसे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं या बुरे बन रहे हैं, जो भी हुआ करे कमेंट ज़रूर किया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। उससे हमें काफ़ी कुछ मतलब सीखने को भी मिलता है, समझने को भी मिलता है और हम काफ़ी मोटिवेट भी होते हैं कि हाँ हमें कोई मैसेज कर रहा है। तो बस यही सब है। क्या शाज़िब, डोंट डिस्टर्ब मी बेटा। तो बस मैं सोच रही हूँ अब इस वीडियो के एंड कर देती हूँ। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।